अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो के टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग रहा होगा, आज का जो टॉपिक है वो लास्ट जो मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, जो मैंने आपको बताया था कि लेयर फीड जो है वो क्या आप कबूतरों को दे सकते हैं, और अगर आपने कबूतरों की अंडों की पैदावार बेहतर करनी है, या अंडे अगर वो किसी भी मसले कर रहे हैं अंडे के हवाले से, तो उसको अगर बेहतर करना है, तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसी हवाले से है। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो यहाँ पे जो है ना बबल आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आप दोबारा इस वीडियो पे आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यार, लास्ट वीडियो को जैसे मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तान के अंदर ये एक जो है ना, एक इंफॉर्मेशन जो है ना, वो उस चीज़ की नॉलेज की लोगों को कमी है, और वो कमी इस हवाले से है कि यार फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर जो है ना एक पूरी साइंस होती है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको आप स्टडी करके जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ठीक है यार, ये खुराक मेरे जानवरों के लिए बेहतर है, ये खुराक मेरे जानवरों के लिए बेहतर नहीं। इवन इंसानों के लिए कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो सिर्फ आपको जो है ना जो मोटापा कम करने के लिए, या अगर आप इंतहाई पतले जिस्म के मालिक हैं, तो वो कुछ आपको डाइट्स एंड न्यूट्रिशन इस तरीके के बताते हैं जिससे आप बेहतर हो सकते हैं। तो देखें, आज दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सी वीडियो बताऊंगा, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि क्या आप ब्रॉयलर फीड जो है वो अपने कबूतरों के बच्चों को दे सकते हैं। आपको पता है कि आप मुर्गी के चूज़ों, जो मुर्गी के चूज़े होते हैं उनको तो आप दे सकते हैं, और उनसे उनकी खुराक बेहतर हो जाती है, उनकी न्यूट्रिशन बहुत बेहतर हो जाती है, प्रोटीन पूरा मिल रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ फैट्स भी उनको जो है ना पूरे मिल रहे होते हैं, जिनसे उनकी ग्रोथ जो है ना वो डबल हो जाती है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। और जिस तरीके से आपको पता है कि जो मुर्गियां हैं उनके चूज़े जो हैं वो बाजरा भी खा लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास भी खा लेते हैं, जिनमें गंदम आ गया, सरसों आ गया, चीना वगैरह आ गया, या इससे रिलेटेड जितने भी दाने हैं या दालें हैं वो खा लेते हैं, और उससे कोई भी इशू नहीं होता। तो ठीक है, कबूतरों को भी आप देते हैं तो वो कबूतर भी खा लेते हैं, और इससे इनको कोई मसला नहीं होता। तो आपको ये तो दोस्तों पता होगा कि जोड़ों वाले कबूतरों को जो मकई है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, उनको दी जाती है, जिनसे उनकी जो है ना चूज़ों की भलाई जो होती है, जो कबूतरों के बच्चे होते हैं, कबूतरों के चूज़े होते हैं, उनकी भलाई बहुत अच्छी होती है। तो आज का टॉपिक जो है वो ये है कि ब्रॉयलर फीड जो है वो आप कबूतरों के बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बात तो ये होगी कि जी हाँ, आप दे सकते हैं, लेकिन इनको चूँकि कबूतर के जो बच्चे होते हैं वो खुद से खाते पीते नहीं हैं, तकरीबन 20 से 25 दिन तक वो खुद से खाते पीते नहीं हैं, उनको उनके वालदैन खिलाते हैं, तो आपको कुछ एहतियात करनी पड़ेगी अगर आप अपने कबूतरों के बच्चों का जो है वो साइज़ डबल लेना चाहते हैं, उनकी ग्रोथ जो है ना वो मैक्सिमम चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी मुर्गी के बच्चों को फीड दी जाती है, ब्रॉयलर फीड की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं लेयर फीड की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, और नेक्स्ट आने वाली दो वीडियोस जो है ना एक लेयर फीड के ऊपर होगी और एक ब्रॉयलर फीड के ऊपर होगी, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि यार लेयर फीड के अंदर क्या डिफरेंस है और ब्रॉयलर फीड के अंदर क्या डिफरेंस है। बेसिकली दिखने में एक है, लेकिन दोनों के जो काम है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो ब्रॉयलर फीड जो है ना वो आप कबूतरों के बच्चों को कैसे दे सकते हैं? देखें, जब मुर्गी के बच्चे ब्रॉयलर फीड खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जो है ना, चूँकि खुराक बहुत ज़्यादा गर्मी वाली है, उसके अंदर हॉर्मोन्स डले हुए होते हैं, और उसके अंदर प्रोटीन की मकदार भी जो है वो कदरे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, तो इससे होता ही है कि जिसम में गर्मी पैदा होती है, और बार बार चूज़ा जो है ना वो पानी की तरफ जाता है। ठीक है, तो होता ये है कि बार बार जब चूज़ा पानी की तरफ जाता है तो सबसे बड़ा मसला उसको यही होता है कि वो पानी के पीने की वजह से उसके जिसम को जो है ना वो सुकून मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ठंड पैदा होती है। ऐसा है कि नहीं? तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो कबूतरों को जब आप देंगे तो वो देख सकते हैं कि कबूतर के बच्चों को शुरू में एक या दो दिन सिर्फ पानी पिलाया जाता है, ताकि पानी पीने से उनका जो है ना वो मैदा साफ़ हो जाए। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुदरत ने किस तरीके से कबूतरों को जो है ना वो बताया है, सिखाया है कि सबसे पहले उनको क्या देना है और बाद में उनको क्या देना है। तो इसी तरीके हवाले से आप उनको
ब्रायलर की फीड जब दें तो कोशिश करें कि एक तो छोटे दानों वाली दें, बड़े दानों वाली ना दें, ठीक है, जो जीरो से ऊपर वाली होती है वो आपने उनको देनी है। दूसरा, आपने उनको कबूतरों को जब आप सुबह सुबह बाहर निकालेंगे तो पानी उनको पहले पिलाना है, बाद में फीड देनी है। अब ये होगा कि जब पानी पहले से पिया होगा फिर फीड खाएंगे तो वो नरम हो जाएगी फीड जाके, ठीक है, पॉट में। पॉट में जब जाके फीड नरम हो जाएगी तो वो आराम से इजीली खाई जाएगी बच्चों को, ठीक है। जब बच्चों को देंगे तो वो पानी ऑलरेडी उनकी पॉट में होगा, जिनसे उनको बार बार प्यास लगने वाला मसला नहीं होगा, ठीक है। और बार बार कोशिश करें कि जब आप जोड़ों के वाले कबूतर रखते हैं तो पानी उनके साथ रखना है अपने, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। अगर आप ये कह सकते हैं कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और मैं हर वक्त उधर मौजूद नहीं होता, कभी बच्चे दे रहे होते हैं तो उनको आप ये हिदायत कर सकते हैं कि जो पानी के अंदर फीड मिक्स करके आपने देना है, आधा पानी आधा फीड, आप देखेंगे कि फीड बिल्कुल नरम होके जो है ना वो जज़ब कर लेगी पानी को, ठीक है। तो फिर भी आपने उसके साथ पानी रखना है कि वो फीड खाएं, पानी लें, और जब जो है ना अपने जोड़ों वाले कबूतरों जो है ना वो अपने बच्चों को दें, और आप देखेंगे जो प्रोडक्शन, जो आपको रिजल्ट 25 दिनों में मिलना है, महीने में मिलना है, वो आपको 15 दिन में जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा, और कबूतर आपका पूरे पर करके इंशाल्लाह जो है ना वो खड़ा होगा, रेडी होगा, तैयार होगा। तो उसके बाद आप उनको जो है ना बाजरे के ऊपर, दानों के ऊपर मुख्तलिफ, क्योंकि आपके कबूतर के जो, क्योंकि 15 दिन तक आप उसको फीड दें और उसके बाद जो है ना आपने उनको दानों पे लगा देना, क्योंकि उसके बाद जो प्रोडक्शन होगी वो अजनास के खाने से उनके जो है ना परों में शाइन वगैरह भी आएगी, जिसके अंदर आप उसके सरसों में ला सकते हैं, सरसों के बीज जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, जिससे उनके परों में शाइन आएगी और परों की तीली जो है ना वो भी बेहतर होगी, और परों के ऊपर जो शाइन आने के बाद उनकी उड़ान होगी वो भी अच्छी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ होपफुली आज आपको जो है ना दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं जो है ना वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ भी हमारे। We'll be right back.